हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज हम सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, 12 फरवरी 2020 आज की होमगार्ड जवानों की मुख्य मुख्य अपडेट्स। आप जानते हैं, देश के सभी राज्यों में होमगार्ड जवान जो है वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन होमगार्ड जवानों को जो है वो ड्यूटी भत्ता और उनकी जो सुविधाएं हैं वो उसके मुकाबले नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इन दिनों होमगार्ड जवानों को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये संशय हो रहा है, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां कम की जा रही है। बहुत से होमगार्ड जवानों को घर पर भी बैठना पड़ रहा है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां कम की गई थी, उसी प्रकार कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। तो महाराष्ट्र के हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे थे। लेकिन होमगार्ड साथियों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार होमगार्ड साथियों की सेवाओं को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकती है। आपको जो है वो जो सेवाएं पहले दी जा रही थी उसी के मुकाबले जो पहले की तरह सेवाएं जो है वो सरकार को देना ही पड़ेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो होमगार्ड की अपडेट देखें तो पहली खबर आ रही है, पुराने जेल में चल रहा होमगार्ड विभाग का दफ्तर। गृह रक्षा वाहिनी को साधन संपन्न बनाने को लेकर दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन यह महकमा अभी भी दयनीय स्थिति में है। अपना भवन नहीं होने के चलते विभाग को कार्यालय से इधर से उधर किया जाता रहा है। फिलहाल गृह रक्षा वाहिनी विभाग का दफ्तर नगर के पुराने जेल भवन में संचालित हो रहा है। इसके पूर्व समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय के एक कमरे में कार्यालय संचालित हुआ करता था, जिसे गत वर्ष मार्च महीने में जिला प्रशासन के आदेश के बाद पुराने जेल भवन में भेज दिया गया। वैसे विभाग का अपना भवन उपलब्ध कराने को लेकर विभागीय प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, होमगार्ड जवानों को जो है वो काफ़ी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। होमगार्ड विभाग का खुद का यहाँ पे दफ्तर भी नहीं है। नए दफ्तर के लिए प्राकलन तैयार करने का हो रहा कार्य। मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से सटे बुदौल से होमगार्ड विभाग के दफ्तर के लिए 1 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2018 में ही जमीन आवंटित की गई थी और अब यहाँ पे भवन जो है वो बनने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों की कमी से होती है परेशानी। होमगार्ड विभाग में अधिकारियों व कर्मियों की कमी है। जिला समादेष्टा का पद पिछले सालों से रिक्त पड़ा हुआ है। फिलहाल नालंदा के जिला समादेष्टा जयंत प्रताप सिंह नवदा के प्रभार में है। वह इंस्पेक्टर कंपनी कमांडेंट का भी पद रिक्त है। दोस्तों, वैसे तो बिहार में होमगार्ड जवानों की भलाई के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड जवानों का दफ्तर नहीं है, तो इसके बारे में भी सरकार को जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। खाकी भी नहीं रही सुरक्षित। सोनीपत में बाइक सवारों ने होमगार्ड जवान को 500 मीटर तक घसीटा। दोस्तों, ये शर्मसार घटना जो है वो आ रही है हरियाणा से। यहाँ पे होमगार्ड जवान के साथ काफ़ी जो है वो निंदनीय व्यवहार किया गया है। होमगार्ड के जवान का कसूर बस इतना था कि इसने यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले इन बाइक सवार 3 युवकों को रोकने का काम किया था। दोस्तों, हमारा होमगार्ड साथी जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन 3 बाइक सवार युवकों ने जो है वो होमगार्ड साथी को काफ़ी दूर तक घसीटा और इस उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार किया। सोनीपत जिले में बदमाशों को हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें खाकी का भी डर नहीं रहा। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों में 2 ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर वाहनों की जाँच कर रहे होमगार्ड के एक जवान की गर्दन और बाजू पकड़कर करीब 500 मीटर तक घसीटा। होमगार्ड के जवान का कसूर बस इतना था कि उसने यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले इस बाइक सवार 3 युवकों को रोकने का काम किया था। वाहनों की जांच कर रहे अन्य पुलिस कर्मचारियों को जब तक इसकी भनक लगती, बाइक सवार युवक होमगार्ड जवान को सिविल लाइन थाना के पास शमशान घाट चौक पर फेंक कर भाग गए। घायल जवान का खानपुर मेडिकल में उपचार किया गया। पुलिस ने सूचना मिलने के बावजूद 24 घंटे तक इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर एसपी ने संज्ञान लिया और मामले की जांच डीएसपी सिटी को सौंपी है। डीएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोनीपत के महाराणा प्रताप चौक पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने जब बाइक सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने रुकने के बजाय होमगार्ड के जवान को ही बाइक से उठा लिया और उसे घसीटते हुए ले गए। मामले में शिकायत के बाद 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही 3 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इन 3 को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो कानून के ताक पर रखे होमगार्ड जवान की जो है वो उन्होंने जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। अगर उनको कुछ हो जाता तो दोस्तों पुलिस को जो है वो इन 3 को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो होमगार्ड जवानों की हर खबर हम आपको सबसे पहले देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।